नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में आनंद ले रहे होंगे। वृश्चिक राशि 22 से 28 तारीख मई महीने का चौथा सप्ताह, आइए जानते हैं कैसा जाएगा आपके साथ। संपूर्ण राशिफल के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपके समक्ष हूँ। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरे सप्ताह के हर छोटी बड़ी घटनाओं की बात करेंगे और कैसे आपको सफलता मिलेगी, कहाँ पर सावधानी रखनी है, कौन सा शुभ कौन सा अशुभ योग बनेगा, शुभ अशुभ तारीखें क्या हैं, साप्ताहिक भाग्य प्रतिशत क्या होगा और कैसे आप मुसीबतों से बचे, उसके लिए उपाय भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं 22 मई से। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु शनि पहले से ही है। यह समय अंतराल आपके सावधानी बरतने वाला होगा क्योंकि धन भाव में विष दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष और शनि का चांडाल दोष भी बन रहा है, तो आपके कामों में विलंब होना देखा जाएगा। आपको हर कामों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। मानसिक चिंताएं परेशानियां बढ़ सकती हैं, थोड़ी बहुत हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। महिलाओं की तरफ से आपको हानि हो सकती है, महिलाओं की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है, तो किसी भी महिला का अपमान ना करें और थोड़ा महिलाओं से संबंध बढ़िया बना के रखें और हो सके तो अपरिचित और अनजान महिलाओं से दूरी बना के रखें। आपको इस समय में बुरी संगति में पड़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं जिसमें आप पैसों को बर्बाद कर सकते हैं। आप गलत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं जिससे पैसों का बहुत ही निवेश गलत साबित होगा और पैसे आपके फंस सकते हैं या पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में बहुत बहुत समझदारी से पैसा लगाने की आवश्यकता है। आपकी वाणी कठोर होगी, जैसे जैसे आपको असफलता मिलती जाएगी आप और ज़्यादा क्रोधित होते चले जाएंगे और किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। विदेश जाने के मामले में आपको कुछ कठिनाई आ सकती है। आपको सलाह देंगे कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी जुबान को बहुत बढ़िया रखें, सोच समझ के हर निर्णय लें और यदि हो सकता है कोई बात टाली जा सकती है तो टालें, शुभ समय का इंतजार करें और ईश्वर का सहारा लें, माता पिता का आशीर्वाद लें। आपकी माता जी से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे लेकिन आपको संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ईश्वर के नाम का सहारा लेते हुए इस समय अंतराल को बढ़िया बनाने का प्रयास करिए। कुछ उपाय बताऊंगा उससे भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन इस समय अंतराल में पैसों का निवेश और आपको नहीं करना है और इस समय अंतराल में आपको किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और महिलाओं से, अपरिचित महिलाओं से खासकर बहुत सावधान रहना है। अपनी आँख का बहुत ध्यान रखना है, आँख में चोट लग सकती है, पेट की समस्या हो सकती है और आपकी शिक्षा में भी दिक्कतें आ सकती हैं, शिक्षा में व्यवधान पैदा हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो समय बेहतर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं 23, 24, 25 तारीख की। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। देखिए अब समय बढ़िया आ गया है, आप मेहनती होंगे और खूब धन कमाएंगे, शिक्षा से लाभ कमाएंगे, अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप काम करेंगे। आप भी भाई बंधुओं के साथ मिलकर काम करेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, आपके अंदर नई नई चीजों को करने की इच्छा जागृत होगी, जिज्ञासा जागृत होगी, आप कुछ नया करने की खोज में हमेशा तत्पर रहेंगे, बैठेंगे नहीं, आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको शान शौकत रुतबा भी आपका बढ़ेगा और आप अपनी शान शौकत रुतबा लोगों को दिखा भी सकते हैं और लोगों को दिखाने के लिए आपको पैसा खर्च करेंगे, आप अपनी शान दिखाएंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है और जब बात आएगी शान शौकत दिखाने की, जब बात आएगी अपना रुतबा दिखाने की, तो आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपकी हर छोटी बड़ी यात्रा सफल होगी, आपको नाम शोहरत पैसा कमाने के लिए बढ़िया समय मिलेगा, बढ़िया योजनाएं बनाएंगे, आपकी योजनाएं जो है बिल्कुल सटीक बैठेंगी, आपको नौकरी व्यापार में सहकर्मियों का, अपने बॉस का, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, परिवार में मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा, हो सकता है आप भी कहीं छोटी मोटी यात्रा पर निकल जाएं घूमने फिरने के लिए या कोई फैमिली फंक्शन भी इंजॉय कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हर प्रकार का लाभ उठाने के लिए आप तैयार रहें, बस थोड़ा कम बोलें तो अच्छा रहेगा, कई बार आप ज़्यादा बोलने लगते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। अब बात करते हैं 26, 27, 28 तारीख की। चंद्रमा आपको चतुर्थ भाव में दोपहर 12:20 तक गोचर करेंगे। चंद्रमा आपको थोड़ी बहुत उलझन और परेशानी दे सकते हैं लेकिन समस्याओं का हल भी अतिशीघ्र हो जाएगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका आप समाधान अतिशीघ्र ढूंढ लेंगे और फिर आपका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, कोई चिंता परेशानी नहीं रहेगी। इसके बाद आपको अनेक प्रकार के सुख वैभव की प्राप्ति होने वाली है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, आपकी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होगी, ईश्वर की भक्ति करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, आप वाहन और अन्य चीजों का सुख
वो इस समय में भोग पाएंगे, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा घर का रहन सहन, लग्जरी आइटम्स का सुख भी आपको भोगने को मिल रहा है। आपके अंदर की इच्छाएं जागृत होंगी और आप इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे, कैसे काम करना है यानी भविष्य में कैसे पैसा अच्छी तरीके से कमाया जा सकता है, इसके लिए आप अच्छी प्लानिंग करेंगे। आपको राजनीतिक या सरकारी विभाग में विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आपकी राजनीतिक जानकारी बहुत बढ़िया होगी जिससे आपको अच्छा लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है कि आप तरक्की करें, तो इस मौके का बहुत जल्दी फायदा उठाना आपको बनता है। और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर में किसी नए मेहमान की एंट्री हो सकती है और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए भी यह समय बेहतर जाएगा, उनको प्रयास जरूर करने चाहिए। आप छात्रों के लिए समय बहुत बढ़िया है, आपको हर प्रयास में सुख मिलेगा, आपकी नौकरी का सुख, व्यापार का सुख, घर का सुख, घर के सदस्यों का सुख, घर के अंदर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का सुख, भोजन का सुख, वस्त्रों का सुख, आभूषण का सुख, रिश्तों का सुख, बातचीत का सुख, मिलने जुलने का सुख, घूमने फिरने का सुख, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और आप इस समय में अपने पराक्रम और बाहुबल से खूब पैसा कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे, सभी को खुश भी रखेंगे और बिल्कुल खुशहाली वाला माहौल आपके घर में रहने वाला है। बस थोड़ी सी मानसिक चिंताओं से दूर रहिएगा और मानसिक चिंताओं को दूर करने का अति शीघ्र प्रयास करिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विवाहित हैं तो ससुराल से आपको लाभ हो सकता है और इस समय में पैसों की कमी आपके पास नहीं रहेगी। एक बात जल्दी से कह देना चाहूंगा, यदि आपके अंदर कोई मानसिक चिंता, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर अति शीघ्र ढूंढिए और उस प्रश्न से बाहर निकलिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। किसी चीज के पीछे मत पड़े रहिए, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। यह समय अंतराल बहुत बढ़िया रहेगा। और एक खास बात, इस समय अंतराल में आपको पता होगा किससे कैसे काम निकलवाना है, यानी आपको दूसरे से काम निकलवाना आना आता होगा, आप उसमें बहुत निपुण होंगे जिसकी वजह से आप एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों से काम निकलवाकर अपने काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। तो यह समय बहुत अच्छा है, हर प्रकार से अच्छा है, जो भी आपने सोचा है वह पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ईश्वर का नाम ले, माता पिता का आशीर्वाद ले और आगे बढ़े। अब बात करते हैं 28 तारीख 12:20 के बाद का समय कि चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे, बहुत ही बढ़िया समय है, आपका काम व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। विवाहित हैं तो संतान से सुख आपको मिलने वाला है, और यदि आप विवाहित हैं और संतान सुख से वंचित हैं, यदि अभी आपकी कोई संतान नहीं है या दूसरी संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप ईमानदार रहेंगे, सत्यवादी रहेंगे, आप परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, आपकी संतान का साथ आपको मिलने वाला है। आपकी संतान यदि किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है तो सफलता मिलेगी। आपकी संतान यदि नई नौकरी की तलाश में है तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। योग्यता के अनुसार आपको और आपकी संतान को तरक्की होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप बुद्धिमानी पूर्वक धनी बनेंगे, आप मेहनत पूर्वक धनी बनेंगे और यह समय पैसा कमाने के लिए बहुत बढ़िया है। आपके बच्चे किसी ना किसी चीज को लेकर जिद कर सकते हैं तो आपको उनकी जिद मान लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है बच्चों की जिद बड़े लंबे समय से चली आ रही हो, उनकी कुछ इच्छाएं हो और ये जिद हो सकता है बड़े भी कर बैठे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और लोगों की इच्छाओं को, घर परिवार की लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला पा सकते हैं, अच्छे नए मित्र बन सकते हैं, कुछ नए मित्रों से आपकी मित्रता हो सकती है, जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आप किसी को पसंद आ सकते हैं, कोई आपको भी पसंद कर सकता है इस समय में। और इस समय में जैसे जो प्यार और इश्क की बातें होती हैं, आप उन सब बातों में बहुत डूबे रहेंगे, प्यार की चाशनी में आप डूबे रहेंगे और प्रेमी जीवन का आनंद लेंगे। विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ, यदि प्रेम संबंधों में हैं तो प्यार की चाशनी में आप प्रेम संबंधों के साथ डूबे रहेंगे, या फिर मित्रता में भी बहुत अच्छी घनिष्ठता देखने को मिल रही है। बहुत ही बढ़िया समय है, आनंद उठाएं, इस समय का लाभ उठाएं। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कम शब्दों में चीज़ों को बता सकूँ, लेकिन कई बार संभव नहीं हो पाता है, तो मैं एक ही शब्द में कहना चाहूँगा आपके लिए 26 से लेकर आपके लिए 28 तारीख का समय बहुत बढ़िया है, उससे पहले का भी समय बहुत बढ़िया है। अब कुछ तारीखें ऐसी बताई हैं जिनमें आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, विष दोष बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, इन सब तारीखों में आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं भाग्य प्रतिशत को। तो भाग्य प्रतिशत रहेगा 72%, शुभ अंक रहेगा 1 और नीला रंग जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन नीला कौन सा? हल्का नीला, बिल्कुल
लाइट नीला कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आते हैं उपायों पे। तो उपाय क्या करने हैं, आपको गिनती के 5 उपाय करने हैं और इन सब उपायों में मुश्किल से आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा या उससे भी कम लगेगा। नंबर 1, आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी है और गायत्री मंत्र का पाठ करना है। नंबर 2, हनुमान जी की आराधना करनी है और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना है। प्रतिदिन करना है, सुबह या शाम करें तो बहुत बढ़िया होगा, दोनों टाइम करें तो बहुत बढ़िया होगा। नंबर 3, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 1 माला और बहुत दिक्कत परेशानी हो तो महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक किसी योग्य पुरोहित से कराएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 4, आपको क्या करना है कि गणेश वंदना करनी है, गणेश जी को बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्न करना है, मोदक लड्डू इत्यादि का प्रसाद चढ़ाना है। नंबर 5, आपको जो गरीब बच्चे होते हैं या ऐसी गरीब जगह जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं, संभव हो सके तो कुछ लोगों को जरूर पानी पिलाएं, पेड़ पौधों को हरा करें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, सूखे पेड़ों में पानी डालें ताकि वो हरे हो सकें, किसी पेड़ की जिम्मेदारी ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सब आप प्रकृति के लिए करिए, प्रकृति में ही हम सब लोग जी रहे हैं, उसी के आशीर्वाद से जी रहे हैं। प्रकृति का आशीर्वाद यदि आपको मिल गया तो फिर आपको किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वृश्चिक राशि वाले अपने समय का उपयोग करेंगे, इस सप्ताह को बेहतर बनाएंगे। हरिओम, नमस्कार।